रहा है आज पूरे का पूरा लाहौर सबको छोड़ने आया या नहीं आया। मताब साहब कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंजॉय, वो समझे हम पिकनिक पे आए हैं। व्लॉग के साथ आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल कंजा का आशियाना। भाई कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई बात ये है कि मैंने सोचा कि यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर दूं, तो मैं घर आई, आपने जैसे कल वाले व्लॉग में देखा चाय वगैरह हम लोगों ने पी, तो फिर मम्मा ने कहा कि हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं तो तुम भी चलो, आना जाना करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगना। लेकिन ये है कि फैज़ नहीं आए, क्योंकि फैज़ ने कहा मैं बस मिल लूँगा, क्योंकि 3:30 बज जाने हैं तो सुबह उन्होंने ऑफिस भी जाना है, तो इसलिए वो नहीं आए, वो मिलके अब सीधा चले गए। अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, पहले हम घर गए मामू के, फिर अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। और बच्चे मेरे ये रहे, इन्होंने कौन सा सोना था वैसे भी ये देखें, और एक जो है वो मम्मा के पास है। और बस मैंने कहा चलो फिर इंजॉयमेंट भी हो जाएगी, और वैसे भी इतने दिन हो गए पाकिस्तान में रह के मैंने एयरपोर्ट का चक्कर नहीं लगाया, इतने लोग आ जाके चले गए हैं, तो इसलिए बस मैंने सोचा कि चलते हैं। तो भाई आज के व्लॉग को यहीं से करते हैं स्टार्ट। ज़्यादा रश है और ये मताब साहब रो रहे हैं कि जी जैकेट जो है ना वो क्यों पहनाई है। तो जी ये हम लोग आ गए एयरपोर्ट और रश चेक करें वो रहा एयरपोर्ट, तो अभी बस हम जाएंगे और अभी हम सोच रहे हैं कि गाड़ी किधर पार्क करें, किधर पार्क करें और रश चेक करें। रश लग रहा है आज पूरे का पूरा लाहौर सबको छोड़ने आया या नहीं नहीं आया। यहाँ पर भी ये देखें ये गाड़ी, अब इसके नीचे बेसमेंट में भी पार्किंग है। हाँ वो बीच से रास्ता है। ये जी ज़हूक साहब को देखे, ये देखिए ज़हूक तो ये मताब साहब की खुशियाँ देखे था। इंजॉइंग, ओ माय गॉड, आर यू इंजॉइंग? ये कहो ये पापा मम्मा जा रहे हैं। तो जी मताब साहब कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंजॉय, वो समझे हम पिकनिक पे आए हैं। और सर्दी बहुत है, नहीं है सर्दी इतनी नहीं है, है ना? नहीं है इतनी, इतनी तो है वैसे पापा, थोड़ी बहुत है बच्चों के हिसाब से सर्दी है, वैसे इतनी सर्दी नहीं है, है ना मताब? मताब सही खुश हो रहा है, मताब को, हाँ मताब को लगती है, सहूक को नहीं लगती। रश चेक करें, एक्चुअली ज़्यादा उम्र वाले ही हैं जो उम्र करके आ रहे हैं ना, रश ज़्यादा उन्हीं का ही है। ये जी ये देखें फूल फूल हुए हैं, क्योंकि आज आए हैं, फ्लाइट आई होगी उम्र उम्र करके, इसीलिए ज़्यादातर रश भी उन्हीं लोगों का है। और फूल चेक करें ज़रा, एयरपोर्ट लगे शादी हॉल है। वापसी का बता। ओके भाई, आओ आ जाओ। गुड गुड, आ जाओ आराम आराम से, आना इधर से उतरो बेटा आराम से। चल तो भाई मामू चले गए हैं, हम आए, उन्होंने ऑनलाइन चेक इन करवा दिया था, तो बस अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। और आज बहुत रश था, ये देखिए लोगों ने कार कैसे लटकाए हैं, तो ये देखिए पीछे नजर आ रहे हैं ना ये लोगों ने किया,
तो टाइम टू टाइम चले गए, चेक इन हो जाएगी, अब टेंशन नहीं ना होगी। 4:30 की फ़्लाइट है उनकी अबू धाबी की, फिर वहाँ से वो फ़्लाइट लेंगे और फ्लाइट लेकर फिर वहाँ से वो मतलब अमेरिका की फ़्लाइट, वहाँ पे कुछ 6-7 घंटे का स्टे है बस। अब हम लोग भी जाएंगे घर, टाइम मेरे ख्याल से 2:30 बज गए। हाँ तो बस अब घर चलते हैं। एयरपोर्ट पे बस भी आई है, चेक करो जरा इसे छोड़ने आएगी, और इन्होंने एंट्री भी दे दी। उमरा जायरीन ज्यादा, हाँ मे भी उमरा के सारे के सारे ग्रुप आया होगा, मे भी उमरा का, उमरा के निकले ग्रुप जा रहा होगा तो इसलिए बस में आई है। मैं सोचूं कैसे इतनी बड़ी बस आ गई, इसीलिए बस आई है, पूरे पूरे ग्रुप जाते हैं ना तो इसीलिए। और हमारी गाड़ी वो है ये मुताफ साहब आ रही, तो जी बस अब हम जाएंगे। ये जहूक साहब पापा तेजी से ला रहे हैं, जल्दी फ्री हो गए। ओ मैं कहती मुझे लेना, मुझे नहीं लेना, मैं यूँ हो गई। तो बस अब हम बैठेंगे और जाएंगे और पापा गाड़ी निकालेंगे। और ये देखें पापा खड़े, पापा कहते हैं मुझे ना लेना, मुझे ना लेना। पापा की भी खैर से जब फ्लाइट इंशाल्लाह ताला जब भी जाएगी उमरा करने, तो हम पापा को छोड़ने आएंगे, प्लान बन रहा है, हो सकता है कभी भी बन जाए, अल्लाह ताला का क्या पता, कभी भी अल्लाह ताला कर दे, कभी भी टाइम आ जाए, है ना मम्मा। फिर उमरा करने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलो टिकट के पैसे निकाल लिए, और शदीद किस्म का है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा रश हम लोग बैठ गए, अब रश इतना कोई शदीद है ना, मैं कहती हूँ जितना हमें आने में और वहाँ, मेरे ख्याल से वहाँ तो हम 5 मिनट भी नहीं ठहरे, टाइम नहीं लगा जितना हम लोगों को निकलने में टाइम लग जाना है, क्योंकि फ्लाइट है जो आई है ना, ये सारी आई है अभी उम्रों उम्र जो है ना। तो एक मिनट जरा मैं दिखाती हूँ, लगेगी लगेगी, यूं करें मोड़े, थोड़ा सा पीछे हो सकते हैं भाई, पीछे हो। बाकी बस अब हम निकाल रहे हैं गाड़ी, और ये पापा ने शू करके निकाले, पापा बस पहले इनको जाने दे, कोई बात, हाँ हाँ हो गई हो गई, और ये बस अब हम निकल गए, ये बाय 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 बाय, हम जा रहे हैं। The next morning. फिर नए कहाँ होते हैं पापा? हम जाम भूल गए जगह का, तो ये मियाँ चुन्नू होते हैं, पहले लाहौरी होते थे, तो फैज़ ने उनसे देसी घी, पापा आते ना देसी घी वगैरह मंगवाया था, ये देसी घी है, ये मकई का आटा है, और ये उन्होंने 7 अमरूद भेजे हैं, ये देखिए कितने अच्छे मज़े मज़े के कच्चे वाले भी हैं, मुझे तो वैसे ही थोड़े सख्त सख्त पसंद है, सख्त सख्त, ये देखिए मैंने निकाल लिया एक सख्त सख्त, पापा से पहले निकालो वरना पापा तो हमें खाने नहीं देंगे, सख्त वाले पापा खाते हैं ना, ये ले पापा ये पिछले कुछ इसी साल के शुरू में हम गाँव भी गए थे, है ना पापा, याद है कितने अमरूद खाए थे। A few moments later. तो भाई रात से ना दिल कर रहा था कि ना पकौड़े खाने को, और आज गैस बहुत हल्की आ रही थी, शावर भी लेना है, और मैं इधर रफ्तर दोबारा गैस चली जाएगी, अभी मम्मा बना रही हैं अंडे आलू, और मैं बनाने लगी हूँ आलू वाले पकोड़े, रात से बड़ा दिल कर रहा था, देखे ये आलू और ये बेसन मैंने बना के रख लिया, बस अब मम्मा मसाला पीछे करेंगे, क्योंकि एक तरफ अंडे बॉयल हो रहे हैं एक तरफ मसाला भुन रहा है, तो मम्मा करके पीछे कर देंगी, तो फिर ये बनाऊँगी और बस फिर खाऊँगी, और पेशावर वगैरह लेना है, सहूक को जो है वो मैंने सुलाया हुआ है, बस सब सबका जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा बेहतर है उसका भी, मताफ का भी हमारा भी, तो चले बस फिर अपने जल्दी कराते हैं पकौड़े। ये सारे पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं, और हम खाएंगे, ग्रीन चटनी लाए थे उसके साथ, केचप के साथ सब खाते हैं, जहूक भी उठ गया उसको भी खिलाती हूँ, उसके मैंने पहले ही अलग से निकाल के रख दिए थे। तो बस जी जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पकोड़े हमारे बन गए हैं, अब बस हम बैठ के खाएंगे आराम से, और देखें ज़रा एयरपोर्ट से हमारा वीलॉग स्टार्ट हुआ एयरपोर्ट के रास्ते से, और अब हमारा पकोड़ों पे एंड हो रहा है, और रमज़ान की भी यादें ताज़ा हो गई हैं पकोड़ों, जब जब भी बने, बेशक महीने में एक दो बार बन ही जाते हैं एक आध बार, तो
लेकिन और कभी महीनों बाद भी मन जाते हैं तो रमज़ान ही याद आ जाते हैं। तो बस मैं यहीं पे अपने व्लॉग को भी एंड करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में भी लास्ट में अपने कमेंट्स दे दिया करें और बेल के आइकन का बटन भी दबा दें। इसी तरह प्यार देते रहें, अपने अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। मेरे पिछले व्लॉग लाजमी देख लें और चलें फिर चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और अल्लाह हाफिज़।